आलस्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है भगवान से दूर ले जाने के लिए, ये काम करती है आलस्य, इससे निवृत्ति पाओ। जो बच्चे जवान जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, आप सबको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जिंदगी में कभी भी आलस्य के वशीभूत मत होइएगा। अगर आप आलसी हो गए तो जो आपको 100% मिलने चाहिए वहां 40 और 50 में आपको संतोष करना पड़ेगा, आलसी नहीं। हमारे यहां कहते हैं जो चेला आलसी हो उसका त्याग कर देना चाहिए। किसका? आलसी चेला का त्याग कर देना चाहिए, चेले को छोड़ दे। जो चेला आलसी हो, जो भजन ही ना करे, सेवा ही ना करे, ऐसे चेले को छोड़ दो। अब यहां चेले कह रहे होंगे वाजी वाह महाराज, चेलों को ही छोड़ दो, गुरु को ना छोड़ दो। कई तो तैयार डोल रहे हैं गुरु को छोड़ने के लिए, नहीं, मौका तो मिले। कौन कौन छोड़ना चाहता है? यहां कोई नहीं। अरे वाह, बड़े सात्विक विचारों वाले हैं। गुरु लालची तजो तजो चेलाल सेठा, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। जो गुरु लालची हो उसे छोड़ देना चाहिए, जो चेला आलसी हो उसे छोड़ देना चाहिए, अधर्मी पिता का परित्याग कर देना चाहिए जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का कर दिया था, और नालायक बेटे से रिश्ता समाप्त कर देना चाहिए। पूरा विवरण है, मैंने लास्ट की दो लाइन पंक्ति सुनाई है सिर्फ आपको, विवरण तो पूरा है। नालायक बेटा तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो अन्यायी स्वामी, पिता अधर्मी तजो तजो चेला अलसेटा, गुरु लालची तजो तजो चेला अलसेटा, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, ऐसे पूरा पद है। तो आलस जो है हमें धर्म से दूर रखता है, हमें कथा से दूर कर दे। मां पार्वती जी को नींद आ गई और सुख कथा सुन रहे हैं, और कथा भी पूरी हुई नहीं है, मैया सो गई हैं, अब कथा कौन सुना है? बाबा को पता लग गया मैया सो गई तो बाबा कथा पूरी ना सुनावे, तो बाबा सुख ने हुंकार भरना शुरू कर दिया, और बाबा अंत तक कथा कहते चले गए और कथा पूरी सुन ली। और जब कथा पूरी हो रही थी तो माता जी बोली, बाबा ये कौन सी कथा सुना रहे हो, अभी तो ये सुना रहे थे, अभी ये बता रहे हो। तो बाबा बोले, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? बोले, मुझे कहाँ नींद आई, मुझे थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। व्यक्ति अपनी गलती मानता भी नहीं है। क्या करता है? कोई सो रहा हो उसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले ध्यान से नेत्र बंद करके कथा सुन रहा हूं। बड़ी पहुंच है भाई, बड़ी ऊंची स्थिति है तुम्हारी। कैसे सुन रहे हो? बोले ध्यान लगाकर सुन रहा हूं, नेत्र बंद करके। पहले नेत्र खोल के तो मन लगा ले, जब नेत्र खोल के मन लग जाए तो फिर तेरा ध्यान भी लग जाएगा। कई लोग मंदिर में जाते हैं ना, आंखें बंद करके खड़े हो जाते ठाकुर जी के आगे, बोले क्या कर रहे हो? बोले भगवान को ध्यान में ला रहा हूं। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी अप्रोच है तुम्हारी है। जब मंदिर में आ रहे थे अंदर, तो तमाम दुकानों को देखा, तमाम मकानों को देखा, तमाम दर्शनार्थियों को देखा, तब तो आंखें बंद नहीं की, और जब मंदिर में पहुंचे तो आंखें बंद कर ली। अरे बोल ध्यान धर के देख रहा हूं, पहले आंखें खोल की तो समझ ले, ध्यान बंद करके कुछ आता है जल्दी से? योग की सातवीं स्थिति है ध्यान, सातवीं। इतना प्रयास करना पड़ता है तब जाके ध्यान में पहुंचते हैं, इतना आसान नहीं है। अगर आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही अंधेरा आएगा, इसलिए जब भगवान के सामने गए हो आंखें बंद मत करो, आंखें खोल के उनका दर्शन करो कि आज ठाकुर जी ने कौन सा श्रृंगार पहना है, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, आज गोविंद कैसे लग। खूब आंखें खोल के दर्शन करो, और जब भगवान उस स्थिति में पहुंचा दे कि नेत्र बंद करके देखें तो वही वो नजर आए, तो वो तो स्थिति फिर बड़ी अलग है, बड़ी सुंदर स्थिति है।
झपकी लग गई। माँ बोली तो ये कथा कौन सुन रहा था? बाबा ने देखा तो देखा सुख बड़े ध्यान से प्रेम से मगन होकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। पार्वती से कहते हैं धन्य है हे सुख तुम्हारे भाग्य के लिए हम क्या कहें। जो कथा पार्वती न सुन सकी वो कथा तुम पूरी सुन गए, तुम्हारे लिए धन्य है।